back. All of you back. पीछे आ जाओ ना भाई, मैं मुझे साइड से ना कटिंग करना पड़ेगा। Don't cry.
But I don't know what to say. I just want to say thank you for making this place so special. We have made it special for us. I know. No, it's okay. You didn't chill and enjoy the value on your birthday. I'm not selfish. सपने आ पाएंगे सपने आएंगे थोड़ा पीछे जाओ तो सपने आ रहे मारो कम ही हो आई एम बेट डाउन अरे नो रुक से ये शिफ्ट शिफ्ट वन मोर सीट यू कैन कम आउट वी बोथ वी कैन कम इन तो तुम खाली बैठो लेट्स बेट लेट्स बेट या मैं खाली खाली या प्लीज कम क्लोज आई डोंट वांट यू टू लुक योर वेट नीड टू कम और किधर फेस में दिख रहे फेस में दिख रहे ओके यस बेन क्या जरूर आने का लुको बेन यस व्हाट मिनट वन गो गाइस थैंक यू थैंक यू गुरु थैंक यू नाउ यू कैन बी पर आई सो आई एम द होस्ट नाउ यस वी ऑल आर टेक इट ओवर नाउ आई हैव टेकन ओवर ओके फाइन कर हां Yeah. You're going to ask us, should I just start a few things? Okay. Smita, firstly, happy birthday and happy Diwali. Thank you so much. How was the surprise today? The surprise is just amazing. मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे रिसेंटली बहुत सरप्राइजेज मिलने लगी हैं जब से बिग बॉस के बाहर आई हूँ और लेकिन आज मैं वापस फिर से नहीं कुछ गेस कर पाई कि आज भी इतना बड़ा सरप्राइज़ होगा मेरे लिए यहाँ पे जब मैं आई मैंने थोड़े सब एम्प्टी रेस्टोरेंट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत जल्दी तो नहीं आ गए डिनर के लिए हमारा प्लान डिनर आना था यहाँ पे और बहुत इम्पॉर्टेंट है आज हम वाइन विला में आए हैं स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब इसकी ओपनिंग हुई थी ये मेरे बहुत ख़ास बहुत अजीज़ दोस्तों की जगह है दर्शिता और रूपांशी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं मेरे और मिकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं और उनका ये जब वाइन विला ओपन हुआ था आई थिंक 10th October को मैं लंदन में थी शूट कर रही थी तो आफ्टर अ लॉन्ग 20 days ऑफ शेड्यूल मैं वापस आई और मैं सोच ही रही थी कि वाइन विला आना है और यहाँ फूड टेस्टिंग के द्वारा मैंने कुछ टेस्ट किया था लेकिन मैंने कहा था कि नहीं यहाँ पे आके वी हैव टू कम एंड डाइन हियर लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा था एंड टुडे बीइंग अ बर्थडे मैंने कहा था कि नहीं आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे लेट्स हैव अ स्मॉल वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली डिनर और इसीलिए हमने वाइन विला चूज़ किया था क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी हियर सो थैंक यू वाइन विला फॉर दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू हैव माई बर्थडे हियर आई कैनॉट हैव थॉट ऑफ एनी अदर प्लेस दैन दिस वन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस आई आ रहे हैं ना दे ऑल आर कमिंग ओके दे आर कमिंग ओके सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देम एज वेल ओह माय गॉड अभी इस बड़ी ऐसी पार्टी तो आई थिंक ये दूसरी है लेकिन मैं आज बिल्कुल कहीं से मुझे भनक नहीं पड़ने दी थी कि आज कुछ ऐसा हो रहा है इनफैक्ट यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट हैं जो आज दोपहर में किसी इवेंट में मुझे मिले थे उन्होंने भी नहीं बताया उन्होंने भी मुझसे ये बात छुपा के रखी ये सरप्राइज़ मेरे लिए बरकरार रखा तो थैंक यू उनके लिए भी और मैं बिल्कुल और एक स्पेशल सरप्राइज़ ये था एक बड़ा सा बॉक्स और लग रहा था कोई फ्रिज का बॉक्स हो मैंने कहा यहाँ पे कहाँ मुझे गिफ्ट कर रहे फ्रिज आई मीन आई वाज फाइंडिंग इट रियली फनी लेकिन आई कुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट क्योंकि मैं ज़्यादा जैसे लाउड बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करती थी आई वांटेड इट वेरी पर्सनल लेकिन इसीलिए मेरे कल ही बात हुई रात में मम्मी से बात हुई मेरे भाई के जो बच्चे हैं लाइक माई नेफ्यूज़ उनसे बात हुई विश कर लिया था बस एंड इट वॉज़ वेरी कैजुअल तो फॉर मी इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे ऐसे सोच रही थी एंड आई लाइक वर्किंग ऑन दीज डेज यूजली तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी हियर लेकिन वो मुझे सरप्राइज देने आ गए हैं तो दैट इज दिस वन वॉज अ रियली बिग सरप्राइज
अब ओके तो ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कल से इसमें मेरी जो सरप्राइजेज है ये लगातार कल से हो आ रही हैं. जैसे कि कल हम शाम में कुछ मूवी देखने गए थे कुछ फ्रेंड्स और रिच ऑफकोर्स रिचा एंड पुरू और सॉरी सॉरी कल रात में रिचा पुरू पारुल और नीलिमा हम तीन चार फ्रेंड्स हैं हम मूवी देखने गए थे रात में. ऑफकोर्स डिनर करके मैंने कहा मुझे बहुत नींद आ रही है मुझे जाके सोना है बस 11:30 बजे मुझे बस सोना था. बट सरप्राइजिंगली द केक्स केम इन द बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्टेड एंड ये मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और इनके बगैर तो आई थिंक वॉज जस्ट नॉट नथिंग वॉज पॉसिबल. घर जाने के बाद आई थिंक देर वॉज अनदर बिग सरप्राइज. घर ऑलरेडी डेकोरेटेड था बहुत सारे बलून्स ऑन बलून आई लव बलून्स गाइज इफ यू डोंट नो आई लव बलून्स और गैस बलून्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो घर पूरा सजा हुआ था और बहुत सारे बलून्स थे तो वी हैड अनदर सेलिब्रेशन देयर अनदर केक कटिंग आउट देयर. और उसके बाद मैंने कहा चलो सरप्राइज हो गया ना ख़त्म हो गया बर्थडे में कितने मिलते सरप्राइज एक मिलता है मिल गया मुझे एक्चुअली दो मिल गए थे ऑलरेडी रात तक ही. हाँ सुबह जब से मैं उठी हूँ और इसने कहा कि सिर्फ मैंने कहा आज लेज करेंगे आज कुछ नहीं करना है आराम करेंगे शाम रात में जाएंगे डिनर. उसने कहा नहीं नहीं तुम तैयार हो जाओ थोड़ा सा वी जस्ट हैव टू गो डाउन थोड़ा सा सामान लेने जाना है. तो मैंने ऐसे कैजुअली मैं रेडी हो गई एंड नेक्स्ट थिंग आई हियर अ डोरबेल एंड डोरबेल आई सी सम ऑफ माय फैन ग्रुप्स जो हमारे मेरे जो बने हुए हैं बिग बॉस के वजह से जो फैन ग्रुप्स बने हुए हैं. So all those admins and some of the fans who've been very active, I saw them all coming in. That was another treat. क्योंकि कल रात में जब मैंने इंस्टा खोला था तब मैंने कुछ ऐसे ऐसे पोस्ट देखे जिसमें इतनी मेहनत लगती है वो सब पोस्ट बनाने में इतनी मेहनत लगती है वो देख के मैं इतनी टच थी. आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट इट एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई गेट टू मीट देम आई मीन I was again very touched. Then I think सुबह से मैं रो ही रही हूँ इमोशनल होके या खुश होके और स्पेंडिंग टाइम विद देम वॉज अमेजिंग. थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड किया उसके बाद हमने हम यहाँ गए थे मेरे गाने की एक रिकॉर्डिंग चल रही थी वहाँ पर किसी ने मुझे विश ही नहीं किया तो ऑब्वियसली मुझे लगा किसी को पता ही नहीं और आई लाइक इट टू कीप इट वेरी इन नॉर्मल ना कैजुअल. बहुत देर होगा किसी ने विश नहीं किया कुछ नहीं किया मुझे लगा किसी को पता ही नहीं है इट्स ओके सब कुछ खत्म हो गया बाइट्स देखे खत्म हो गया सब हो गया और मैं बाहर निकल रही थी तो देयर वाज अनदर बूम अनदर सरप्राइज. तो देयर वाज केक कटिंग हैपनिंग देयर और वो पर्पसली मुझे विश नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनको वो सरप्राइज देना चाह रहे थे. तो और एक सरप्राइज वहाँ हुआ है और ये यहाँ का दिस वॉज अ माइंड दिस इज बिगेस्ट सरप्राइज. तो कल से लगातार बहुत सारी सरप्राइजेज हो रही है मेरी लाइफ में. लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ पारुल और रिचा दोनों को कि अगली बार कुछ और सोच ले क्योंकि दो पार्टीज तो हो गई है अब उस दूसरे यू हैव टू यूज योर ब्रेन नाउ इन पे भरोसा नहीं कर सकते पता नहीं क्या सरप्राइज ले आएंगी. सुपर मैम इसके अलावा बिग बॉस के बारे में बात करें जी एक्सपीरियंस आपका रहा था बिग बॉस. एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया रहा है और आई के नॉट थैंक बिग बॉस एनी लेस क्योंकि एक बहुत ही सुंदर अनुभव उन्होंने मुझे एहसास कराया. इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर विच आई एम टेलिंग यू गाइज हैव टू एक्सपीरियंस इट. यू कैन मैं बोल के आपको नहीं समझा पाऊँगी जब तक आप खुद वो एक्सपीरियंस ना करें. सो इट इज़ एन अमेजिंग जर्नी बहुत सारा प्यार मिला है और लोग जो मुझे नहीं जानते थे बहुत अच्छी से जानने लगे और उससे आई थिंक पीपल नो मी बेटर एंड जो मुझे जानते हैं तो आई लाइक वॉट दे लाइक अबाउट मी सो दैट्स ब्यूटिफुल. सो जैसे मैं कह रही थी कि मैं 20 दिन शूट पे थी लंदन तो बीच वाला पोर्शन काफ़ी नहीं देख पाई. जब से आई हूँ थोड़ा थोड़ा मेघा को थोड़ा फॉलो करने के चक्कर में थोड़ा बहुत देख पाई हूँ थोड़े क्लिपिंग्स देख पाई हूँ. एक तो वो विनर है तो एंड सेकेंडली वाइल्ड कार्ड है ये दो उसके लिए उसके बहुत अगेंस्ट वर्क कर रही हैं. आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट जर्नी. जैसे मैंने पहले ही कहा था उसको भी कहा था कि ये आसान नहीं होने वाला है बहुत मुश्किल होने वाला है और जिस तरह सब कंटेस्टेंट्स हैं शी विल हैव टू रियली रियली वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट टूवर्ड्स इट. और जिस तरह से उसके टास्क बहुत अच्छे से करती है वो अगर आप उसके टास्क देखो वो गिव अप नहीं करती उसमें वो डू इट वाला एटीट्यूड है तो वो गिव अप नहीं करती. आई थिंक उसके बाद ही सब लोग थोड़ा टास्क को सीरियसली भी लेने लगे हैं एंड अबाउट नॉट गिविंग इट अप. रेस्ट हाल ही में आई डोंट नो उतना नहीं देख पाई हूँ बट आई जस्ट होप दैट शी अंडरस्टैंड्स
कि वहाँ का ग्राउंड अलग है एंड उसके लिए उसकी स्ट्रैटेजीज उसने प्लान करके अब अलग से स्ट्रैटेजीज बना के खेलना चाहिए। टॉप थ्री एक्चुअली सारे एपिसोड्स तो देखे नहीं है लेकिन मैं मेघा को ज़रूर फाइनलिस्ट में देखना चाहूँगी। आई एम नॉट श्योर, वो विनर रह चुकी है तो मुझे नहीं पता कि वो विनर वापस बन पाएगी या नहीं, लेकिन वो लोगों के दिल ज़रूर जीतेगी। आई थिंक टॉप थ्री में अगर केवी अपना गेम सुधार ले थोड़ा सा, आई थिंक ही इज़ गेटिंग इट नाउ, तो अगर वो थोड़ा सा ये हो जाए तो आई थिंक केवी, रोमिल इज़ प्लेइंग गुड ऑफकोर्स, दीपिका इज़ ऑल्सो देयर, सो दीपिका, अगर मुझे लगता है कि दीपिका शुड गेट मोर फोकस टूवर्ड्स द गेम, वो बहुत ही अच्छी इंसान है लेकिन यहाँ पे अगर वो बिग बॉस में गेम खेलने आई है वो ज़्यादातर टाइम बेबी सिटिंग में निकालती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका प्लीज़ फोकस ऑन योर गेम, यू कैन रियली डू वेल, मेघा यू आर अ रॉक स्टार, यू विल ऑल्सो डू वेल, सो लेट द बेस्ट पर्सन विन। इस वक्त किसी के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल भी है क्योंकि ये गेम जो है सिर्फ दिमाग और साइकोलॉजी का नहीं है, ये गेम किस्मत का भी है, यू नेवर नो हाउ योर लक इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, सो द बेस्ट पर्सन विन। थैंक यू। राज आता मला ना खरं तर असं आले वाले सब सरप्राइज कॅन्सल पर मैं अभी आ जाएगी, हम पूछ लेते हैं उनके बगैर मैं आंसर नहीं दूंगी, वो आएंगे। रिचा सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, मैं बोल ही नहीं रही हूँ। नो नो नो, यू हैव टू कम। हाँ, आई एम नॉट आंसरिंग विदाउट यू। I'm very happy. Will it be in English? Yeah, anything? English, yeah, okay. Yeah. I'm very happy to host this surprise birthday party, especially for this person who is so very close to us, and she just creates magic wherever she belongs, and she's going to do the same thing when she's come to our venue, Wine Villa, and it's a Diwali party together. So we all are very excited and full of colors and lights. Darshita, what is the USP of Wine Villa? We see a lot of wines inside and. So the USP of Wine Villa, as you said, is the wines itself. We have around 60 to 70 wines from all over the world, which we serve by tap, which is a very unusual thing. And that's the most attractive part over here because we have, you know, different kinds of wines, as well as we have like three options for people who don't have wine. They can have a taste or half glass or a full glass. Darshita, that's very another surprise for you. Yes. It has just been, as I said, magic, and she just spreads her charm everywhere. And the wine and Smita combination is much better than the wine and cheese. Oh my God! So that's the perfect combination and the perfect evening today. Smita, what do you have to say about Wine Villa? It's an amazing place. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, I had been here for some food tasting before it opened, and I wanted to be here for the opening.
Unfortunately, I was not around. I was in London shooting over a period of a long period of time, and I couldn't be here. So yesterday, I think I spoke to her. I said, "Oh, I'm coming for dinner at your place because I want to see how it's looking now that it started, and I've heard so much about it. I want to come there for dinner." But I had no clue that whole thing was planned. So she's given me another surprise. Thank you so much. You're most welcome. No. Parul, you have to come in. Okay. I'm not doing it. We have one more friend. One more, you can yes. ask questions. Yeah. Parul ji, क्या कहना चाहेंगे आज के इस event को लेके जो स्मिता गुंडे जी का आज birthday है, dearest friend of yours, क्या कहना चाहेंगे आप? You know, firstly, I would like to say Richa and Puru have put in so many efforts right from you know figuring out. Chote-chote details about the theme of the evening, you know, Indian wear. I'm sorry, I'm not part of that. she never is. She's not wearing it. So I think, Richa, you need to add, you know, right from calling auntie and putting her in a box and surprise. It was lovely, and I must say that Smita is really lucky to have friends like Richa and Puru. They have done an outstanding job, and it is really, really emotional for me to say that right now. Richa, what do you have to say to that? Smita is one spark. She just adds to everyone's life. Like, agar uske saath koi hai, to hase nahi waisa ho nahi sakta. She's been a stress buster for me, and kahin na kahin acha lagta uske liye surprise karna, because she hates surprises and we keep adding to that. She is one person jisko birthday celebrate karna bilkul nahi pasand. With her, I've started loving it now. I'm sure Parul knows this. Smita hates celebrating her birthday. Yeah, yeah. And we have just added this to her that no, now this year you have to do it kind of, because humlog ne usko de diya, tujhe karna hi hai, usko kaam bhi nahi lene diya. Ha, aaj ke din pe only thoda work I had this afternoon. That is been a big task, क्योंकि जब भी means कल से हम लोग साथ में हैं, तो जब भी कोई फोन बज रहा है, specially जिसको अगर मैंने invite किया, इसमें तो why you picking up? It's okay, it's your birthday, relax, and then she'll pick up, and I'm worrying, हाँ ठीक है हो गया, रखना रखना, अरे कोई बोल ना दे, कोई बोल ना दे, it was that way, and when we entered here, she met her very close friend. And I think तब उसको शायद से थोड़ा बहुत hint लगा या नहीं, I don't know. उतना नहीं hint लगा, क्योंकि I knew this friend is in town. He's my friend from America, trip time. And when I saw him, I knew he's in town and he keeps partying in Juhu all the time. So okay. So seeing him was not like. So you thought he's regular at Wine Villa? Yeah. No, regular. He said he's going somewhere else. I said, what are you doing? I said, come for dinner. I invited him for dinner. With us. He said, नहीं नहीं, मैंने कहा girlfriend वो आने वाली है, where were you going? He said, I'm going to that some other out restaurant, some place. I said, okay, call her here, we will go here only, I'm meeting you after so couple of years now, come here. So I dragged him here. And he also made up the whole story. नहीं नहीं, वो my girlfriend's coming, हम तो बाजू में जाने वाले थे and all that. So now this whole thing was planned before she went to London. We had decided that we are going to do her birthday. So I had sneaked out all her contacts before she went. So I had to sneak out all her contacts. Parul had to gather a lot of numbers. And yes, uski mom aur uski niece, in logo ko bulane ke liye, it was a nephew's biggest risk tha basically, ki pata na chal jaye. To box ka planning definitely Puru ne kiya tha. And rest all Parul managed yahan pe aane tak, bas khola and wo aa gaya. Yes, nothing was possible without Parul, Puru, me or the entire team. Darshita, yes, Wine Villa, Rupanshi, I wouldn't forget that most too. Most important, Smita's spirit. Yes. You know, it is very important to keep that spirit up and, you know, say, okay, I am together myself, which I don't like to do. Go and party. And sabse difficult cheez. But I'm feeling like, mujhe donor hai. Ek to wo. या फिर मुझे शर्म आ रही है एंड सबसे डिफिकल्ट चीज मेरे लिए रही आज उसको ड्रेस के अंदर डालना. ओह यस, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. शी इज नॉट रेडी टू वेयर. मैंने कहा डिनर जा रहे हैं, वी वोंट बी ड्रेस्ड टू मच, लेकिन आई डोंट नो व्हाई शी सेड नहीं नहीं, बाद में एक फ्रेंड के घर जाना है दिवाली पार्टी के लिए. दैट्स हाउ शी कन्विंस्ड मी टू वेयर लाइक एन इंडियन, लाइक या लाइक एंड यू लुकिंग लवली स्मिता. यस, ऑल दोस एफर्ट्स हैव कम आउट. यस यस, थैंक यू थैंक यू. मैं तो ये कहना चाहूँगी दैट स्मिता, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस, एंड यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग व्हिच वी ऑल नो राइट हियर, एंड लव यू. That's it. लव यू टू. आई वुड वांट टू से दैट आई वांट हर टू बी विद मी थ्रू आउट माय लाइफ.
Like, I always tease her that she's my girlfriend kind of a thing. But that's not the thing. But she's very close to me and I see my family in her. And I want you to let us give you more surprises, you know. So just don't be smart to judge our surprises. Okay, fine. No, I'll let you give the surprises. It's when I, sometime back, I said, oh, now I'm not going to trust any of your plans. That's not it, guys. She makes my life very interesting. She makes my life very beautiful. So I am totally going to go blindly follow her, whatever she says, because I know end of the day, she's going to be giving me some mind-blowing surprise, or so that the end of it, something great is going to be happening. Okay, did you expect a mom and your nephews here? That's what I want to know. Not at all. Surprise worked. Yes. Absolutely. The whole thing worked. Okay, my wish for Smita would be that there's not a single thing I want to change about her, and I want her to be just the way she is, because she is just beautiful by heart, by soul, and amazing person. So just thank be the you. Yeah, but I'll add one thing about Darshita here, which even Parul will agree. Like, Darshita and I just met few days before through Smita. And just randomly we were speaking, it's Smita's birthday, chalo wine villa mein hi karte, wo opening pe bhi nahi thi. And Darshita was on toes ready, yes, let's do it. So, you know, it wouldn't have been possible without her go. That's so she's thank been... The entire detailing, you know, right from menu to yes. So that's really she's given her 100% no, her I'm time obliged everything. To host party for oh her. God. Thanks to Parul and Richa and Puru for organizing this and choosing our venue. Thank you. Thank you. And now we need to call in Puru. Puru ko bula. Richa and my little Jiju here, Puru, who have put this whole thing together and made this surprise such a big, made it so successful. So Puru, thank you so much first of all for making it so special. Thank God the box ka idea was really nice. Yeah, yeah. And what would you like to say? I would like to say that it was just... our motive was just to surprise her, and that's all. And what we could think of is what best gift we can give is we know how much she values her family, so that's why we thought that let's bring her family in and try to fit them in a box. So that's all. Perfect. What are your wishes for her? That's it. My wishes. I just wish her excellence, more and more of success, more good times like these, and that's all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ये मैं हक से कह सकता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आई हैव नेवर सीन अ प्योरर सोल एवर इन माय लाइफ. वेल, इट वाज अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर, प्लान्ड बाय रिचा, हर क्लोजेस्ट, वन ऑफ हर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. एंड आज सुबह एक्चुअली मेरी बात हुई थी स्मिता से, मैंने उसको विश करने के लिए फ़ोन किया था, और ऑब्वियसली रिचा मस्ट बी विथ हर एट दैट टाइम. एंड अभी रिचा ने मुझे कहा कि शी हैड अ हार्ट इन द माउथ कि कोई हम में से बोल ना दे यार आज शाम को मिलते हैं करके. बट आई डेंट से हमारी नॉर्मली बात हुई, यार कभी मिलते हैं, मेरा शो देखने आओ. एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक हाँ काफ़ी बिजी हूँ, कभी देखते हैं, कभी मिलना होता है, लेकिन मिलते हैं ज़रूर, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड इट्स अ वेरी स्वीट थिंग फ्रॉम रिचा साइड टू ऑर्गेनाइज सच अ ब्यूटिफुल पार्टी वेयर हर क्लोज पीपल आर हियर टू सेलिब्रेट हर बर्थडे विथ हर, बिकॉज अ पर्सन, अ जेन्युइनली नाइस पर्सन लाइक स्मिता डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स वॉट वी आर हियर टू विश हर. जी, विनर थी. नहीं, एक्चुअली सच कहूँ तो हिंदी का ये सीज़न मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरे भी खुद के काम चालू हो चुके हैं तो टाइम नहीं मिलता, ये एक बात है. और दूसरी बात ये कि जो करके आए हैं, जहाँ से निकल के बाहर आए हैं, वही देखना थोड़ा नहीं अच्छा लगता. तो लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत देखा है वो देख के तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो कुछ भी हमने किया था बिग बॉस के घर के अंदर वो काफ़ी सोबर था. मतलब एक तो क्या था, हम सब एक दूसरे को जानते थे, किसने किसने कितना काम किया है, किसके साथ काम किया है. हम में से बहुत लोगों ने एक दूसरे के साथ काम किया हुआ था, तो जान पहचान थी. वो यहाँ पे नहीं है तो थोड़ा लिहाज थोड़ा कम दिखता है, जो कुछ भी थोड़े बहुत स्निपेट्स मैंने देखे. मेघा के बारे में कहा जाए तो शी इज़ टेलर मेड फॉर दिस फॉर्मेट, दिस गेम शो.
she's got the will, the heart, the brain for this game. और उन्होंने तो प्रूव कर दिया है, बिग बॉस मराठी का पहला सीज़न जीत के ये सब उन्होंने प्रूव किया है. और हिंदी में अभी वो गई हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी वो थोड़ी सी सिमिलर रहेगी, लेकिन उनकी लेवल बहुत ज़्यादा हो सकती है. सो आई जस्ट विश कि मेघा का जो कोर स्ट्रेंथ है एज अ ह्यूमन बींग, एज अ पर्सन, जो स्ट्रेंथ है उनके अंदर वो बरकरार रहे, और उस स्ट्रेंथ की वो स्ट्रेंथ यूज़ करके वो आई थिंक शी मस्ट शी विल बिकम वन ऑफ द फाइनलिस्ट फॉर श्योर. थैंक यू. स्मिता और मैं एक दूसरे को हमेशा दोस्ता, मतलब मराठी में बोलते हैं हम दोस्ता, यानी कि यार ऐसे. तो आई जस्ट से दैट यू आर अ वेरी स्वीट, केयरिंग एंड अ जेन्यूनली काइंड पर्सन एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग सिंसियर पर्सन. सो प्लीज 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 नेवर चेंज फॉर एनीथिंग और एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल हूज लाइव्स यू हैव टच्ड, whose lives you have enriched, and all of us are with you in the very successful journey called life that you're going to have. Please be the way you are. Thank you. Thank you so much for coming. I'm finally getting to engineering. I'm so happy to meet you, because thank I thank you. You so much for supporting me. Always there. And I've been following you. Yeah, I also follow you on Instagram. Oh, perfect. And when she told me about this, I was so touched. That was really nice of you. Very sweet. And thank you so much for coming today. My pleasure. I wanted to meet you as well. Perfect. Yeah. Chalo. मैं हिंदी में बात करें. हिंदी. हमारे बीच में पायल घोष है, जो कि बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है. और बिग बॉस के दौरान आई कैन ओनली टेल यू दैट ड्यूरिंग माय होल जर्नी शी सपोर्टेड मी अ लॉट. बहुत सपोर्ट रहा है उनका मेरे लिए. एंड आज आई एम श्योर रिचा ने इनवाइट्स किए हैं, एंड मैं बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं पायल से मिलूं, एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी इज़ हियर, एंड आई वांट टू थैंक हर फॉर गिविंग मी दैट सपोर्ट थ्रू आउट बिग बॉस. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एज़ वेल. या हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे जो बिग बॉस से मराठी में जो एक जंग जीत के आए, एक तरह से जीत के थी, लेकिन आप क्या कहेंगे उनके आज बर्थडे के मौके पे क्या विशेष कहना चाहेंगे? आई एम सो प्राउड ऑफ हर, शी डिड सो वेल एंड शी इज एन अमेजिंग पर्सन, सो शी डिजर्व ऑल द विन. कंग्रेचुलेशंस टू हर, एंड शी इज सच अ डार्लिंग, शी विल गो इवन फार अवे. अभी मेरी पटेल की पंजाबी शादी जो रिलीज़ हुई थी, तो अभी उसके बाद मेरी जय माता दी इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट मूवी, वेयर आई विल बी प्लेइंग समथिंग क्लोज टू गॉड मा. एंड पीपल आर सेइंग ओके, इज़ इट राधे मा? इट इज़ नॉट एग्जैक्टली राधे मा, इट इज़ क्लोज टू समथिंग लाइक दैट, बट आई एम वॉचिंग लॉट्स ऑफ वीडियोज ऑफ राधे मा जस्ट टू गेट द फील ऑफ द थिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी मी, and I'll be portraying a character which I have never done before. I have done many South films, but I have never done such kind of character. So this is the first time I'm going to do something very different, so I'm looking forward for that. Thank you so much. Wait, one more time. क्या कहना चाहेंगे?
first of all, very happy birthday to Smita. Mwah. And happy Dhanteras to you and everyone. And I'm so glad that Smita is here, and I'm going to celebrate this party with her, like the start of Diwali. And it's going to be a rocking Diwali, I guess, for both of us. And wish you all a very happy Diwali in advance. And what are the special arrangements Wine Mela has with us? You know, the nitty-gritties, the whole planning, since it was a surprise. So yeah, so it was a complete surprise package for Smita. I could see that, and we've done such beautiful, wonderful, like everything what I can do the best for her with regarding to the wines, and like it's the first time ever in India wines on tap we gonna have, and yeah, I think she's coming for the first time and she's gonna enjoy and love the experience, and even the guests are gonna love the experience of the wine on tap. And yeah, with that, with to go along with a nice cheese and the good starters along we have, yeah. Thank you. Thank you. Hey, ruko. Is tarah bhi. Ham ya, simple. Excuse me, brother. Sir, is tarah bhi. सर थोड़ा इस तरह का ये है सर आपके राइट में आज वाइन मिला में स्मिता कोटवा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या विशेष कहना चाहेंगे स्मिता जी के लिए? स्मिता जी खुद अपने आप में विशेष है और उनका बर्थडे तो और भी अति विशेष हो गया, और वाइन विला तो मेरा फेवरेट है क्योंकि हमारा नाम है रतन नूरा और काम करूंगा ख़त्म पूरा, और इसके लिए तो चेहरा है आज खिला क्योंकि बन गया मेरे खुद के लिए वाइन विला, तो जगह भी सही है और पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए और या एंजॉयमेंट के फन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा तो वाइन विला जो है बहुत ज़बरदस्त जगह है। स्मिता जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो स्मिता जी के सारे दोस्तों को और सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली की, भगवान करे आपका जीवन जो है हमेशा रोशनी की तरह जगमगाता रहे और गम के अंधेरे, टेंशन के, प्रॉब्लम के घनघोर अंधेरे सब दूर हो जाए, और आप सब लोग दीपावली के रोशनी में खुद भी महके और अपने देश को भी महकाएँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Smita and I go a very long way back. She's so close to us, to me, that she's actually a like a family. She's a part of my family, very close to every member in my family. And over the last one decade or so, I have known and seen her in incredible avatars, many avatars. I've known Smita as Smita the dancer, Smita the actor, Smita the fighter, Smita the anchor, and then recently we saw thousands of emotions and thousands of shades of this incredible fighter called Smita in Big Boss, the recent Marathi season, where she turned out to be not just a fighter but won hearts of lakhs and lakhs of audiences across the globe, and was a very deserving finalist. So on this very special day, I wish her the most successful year ahead. She's on a roll, she's constantly shooting, she's all over the place, doing very well, she's getting incredible offers from the entertainment industry, and all kinds of offers in acting, videos, music albums, worldwide shows, etc. So I'm absolutely sure this year is going to be the finest for Smita in her life. Thank you so much, sir. Thank you. Aaj hi maine apni aane wali film Big Boss ka poster launch kiya hai social media par. Big Boss ek wig pehenne wali kahani hai, comedy film hai. Big Boss Hindi aur Big Boss Marathi ke baad हिंदी फिल्म आ रही है जिसका नाम बिग बॉस नहीं है, विग बॉस है, विग बॉस।
और इसका पोस्टर आज लॉन्च हुआ दीपावली के शुभ अवसर पर, तो मैं आपकी सबकी दुआएं भी चाहूँगा और बिग बॉस की टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, ऑल द बेस्ट। सी सबसे पहले तो धनतेरस की शुभकामनाएं सभी के लिए, और स्मिता इज़ डार्लिंग टू अस, शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड, सो इट्स अ बिग ओकेजन टू सेलिब्रेट धनतेरस, स्मिताज बर्थडे एंड ऑफ कोर्स प्री दिवाली बैश, और हम सब लोग सब फ्रेंड्स यहाँ पे जमा हुए हुए हैं, सो इट्स अ गुड ओकेजन। एंड मैं स्मिता के लिए तो एक बात कहना चाहूँगा कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। स्मिता की जो बहुत ही बढ़िया हरकत है, जो हमें बड़ी पसंद है, वो है कि वो एक बहुत कहते हैं ना एक शर्मीली टाइप की लड़की है, तो कभी भी अगर आप उसे कुछ कहेंगे स्मिता हाँ, तो रिएक्शन इतना स्लो आता है, और तो इट्स गुड। अभी वैसे वो खुद है तो खुद करके भी दिखाएगी आप लोगों को। You are the host. See, Big Boss people are the host. Don't behave like this. Yes, yes, rolling. Sir, क्या कहना चाहेंगे? स्मिता बोलकर like Big Boss में आपके साथ में थी, आज उनका birthday है, दिवाली भी है, आपने उनको gift भी दिया, बहुत ही सुंदर सा friendship band, क्या कहना चाहेंगे? Double धमाका है, क्योंकि दिवाली के साथ उनका बर्थडे भी है और खुशियाँ बहुत सारी है, उनका बर्थडे है तो हम सभी लोग बहुत खुश हैं, और दिवाली के मौके पर उनका बर्थडे आया है तो ये खुशी दुगनी हो गई है, तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और उनका करियर में उनको काफ़ी सफलता मिले, यही भगवान के पास प्रार्थना है, और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम राइट राइट मैं आऊ इज हियर Thank you. Yes. It's also it. Yes. Bye bye, yeah, camera. Bye bye bye. Thank you. Birthday hai, aapki beti jaisi hai, to surprise birthday tha, kya wish dena chahiye? Aaj dhanatrayodashi hai. मी मराठीत बोलणार आहे। हो हो, आज धनत्रयोदशी आहे, आमच्या स्मिताचा वाढदिवस आहे, त्यामुळे तिला हॅपी दिवाळी आणि मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे। अंदर गई है, जैसे रूम है नहीं है, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, कौन करा विजुअल्स।
ओके फाइन, बिग बॉस की टीम अभी अंदर गई है और लगता है ऋचा ने सबको अलग अलग, मेरे जो फिल्म्स हैं या फिर मैं जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया है उन सबको बुलाया है। मुझे सच में पता नहीं कि गेस्ट लिस्ट क्या है, लेकिन ये मेरी मॉनसून फुटबॉल की टीम है, एक फिल्म कर रही हूँ मॉनसून फुटबॉल। मिलिन जी जो कि बहुत बेहतरीन फिल्म है, पाठशाला जैसी फिल्म में कर हैं, ये हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, और प्रीतम हमारे फिल्म में, आई मीन ऑफ कोर्स आई एम पार्ट ऑफ द फिल्म एंड प्रीतम इज ऑल्सो हियर। वी ऑल्सो हैव सागरिका काके एंड विद्या मालवडे। सर अजून काय तुम्हाला सांगायचं असेल तर एक बहुत ही अलग मजा है इनके साथ काम करने में, वो इतने पॉजिटिव एनर्जी में काम करते हैं कि उनके साथ आई थिंक मैंने एक फिल्म पहले भी की थी और उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था, पहले आई थिंक फुटबॉल खेल रही है वो भी हिजाब पहन के, मुस्लिम कैरेक्टर, या एंड शी इज आल्सो प्लेइंग फुटबॉल, सो दैट वेरियस कैरेक्टर्स एंड आई थिंक द गर्ल्स हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछले बार आई थिंक हम शूट कर रहे थे 27-28 को, जो कि इतनी धूप थी, आई थिंक टेम्परेचर वॉज ऑलमोस्ट इन सम 40 समथिंग, 43-45 मे बी मोर। इतनी धूप में सारी लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही थी, साड़ी पहन के सब जल गई हैं बहुत बुरी तरह से, आई थिंक अंडर गोइंग ट्रीटमेंट्स राइट नाउ। I was thinking that वो लोग सभी वो कर्ज कर रहे होंगे कि चार दिन से हमको इतने धूप में फुटबॉल खेला है, छह दिन से फुटबॉल खेला है, but they are amazing. I mean, किसी ने देखा नहीं होगा इस तरह से साड़ी में इतने energetically ladies को फुटबॉल खेलते हुए। एक स्पोर्ट फिल्म में दिखाई देगी, हमेशा से लड़कियां टिमिड एक रोल में नहीं होती है, वो स्पोर्ट्स भी हर एक उनके रूप पहलू आगे आते हैं। शी इज गोइंग टू बी वेरी एक्टिवली प्लेइंग फुटबॉल इन दिस फिल्म। ऑब्वियसली वी हैव सागरिका गाडगे एंड विद्या मालवडे, डेलनाज इज ऑल्सो, डेलनाज इरानी इज ऑल्सो इन द फिल्म, सो एवरीबडी इज एक्टिवली प्लेइंग फुटबॉल, और आपने उनको हॉकी खेलते हुए देखा है इससे पहले, और इस बार आप उनको साड़ी में फुटबॉल खेलते हुए देखेंगे। तो गाइज प्लीज बी राइट, लास्ट क्या कहना चाहेंगे? होगी तो कुछ कर नहीं सकती इसमें, देखेंगे औरत बहुत कुछ कर सकती किसी भी एज में किसी भी समय में, ये फिल्म का मैसेज बस वही सारे जो मतलब इसपे तो जियो हजारों साल साल के दिन हो दिवाली पार्टी भी जस्ट गोइंग सर एंड आई एंजॉय योर दिवाली, थैंक यू सेंटर सेंटर में आ जाइए। पहले तो सबसे पहले तो सबको धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये स्मिता जी का बर्थडे है। स्मिता जी मेरी कंपनी में पहले भी एक मराठी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी है, सबसे पहले तो बहुत अच्छी इंसान है और बहुत अच्छी एक्टर भी है, तो हम चाहते हैं कि हम आगे भी इनके साथ काम करेंगे, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से मेरी कंपनी। थैंक यू सो मच। अगले जन्म में लाइट बंद मत करना दो।
चलो आगे बाय बाय बाय। हाँ मैं आराम से आराम से मैं आपका कैमरा अरे तुम क्या हेलीकॉप्टर लगाया यार हेलीकॉप्टर छोटा है भाई, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है ना भाई। अच्छा करो उधर करो क्या विशेष देना चाहेंगे स्मिता के लिए।
आई थिंक शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी राइट नाउ, एक हैप्पी स्पेस ऑफ माइंड में है और बहुत अच्छा करे. जिस तरीके से देखा जाए तो अभी अभी सब कुछ नई तरीके से शुरुआत हुई है उसके लिए, सो विच इज़ रियली रियली अमेजिंग. हमारे पुराने फ्रेंड्स के ब्लेसिंग्स तो हमेशा साथ में होता ही है, तो वो ब्लेसिंग्स के साथ वो और आगे निकलता जाए एंड वी शुड सेलिब्रेट बर्थडे पार्टीज लाइक दिस मोर एंड मोर. दिवाली आने वाली है तो जानना चाहेंगे राम और सीता किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करने वाले इस साल. हम लोग आज ही आए वापस उज़्बेकिस्तान से, वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करके अभी हिंदुस्तान में सेलिब्रेट करना है. सेलिब्रेट ऐसे करेंगे, ऑब्वियसली घर पे पूजा करेंगे और बहुत ही थोड़ा सा एक फुलझड़ी जलाएंगे टू कीप द सिटी आउट ऑफ पॉल्यूशन, और खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे. वो एक दिन डाइट को मारेंगे गोली और खूब सारी मतलब खूब सारा खाना खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे. इसलिए मैं आज भी डाइट नहीं तोड़ रही हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड. खासियत ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं तो क्या बताऊँ. आई मीन साल साल दर बॉम्बे में जब आप किसी से मिलते हैं, नए लोग आते हैं, नए लोगों से आप एवरीडे मिलते हो, लेकिन कुछ ही ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो नए फ्रेंड की भीड़ में भी खो नहीं जाते हैं और उन लोगों के साथ 10 साल 12 साल 15 साल तक दोस्ती चलती रहती है. तो शी गोज़ आउट ऑफ अ वे टू मेक समबडी फील स्पेशल. और कल वो है नहीं, कल से वापस वो शायद कहीं चली जा रही है, नहीं तो हमारे हर फंक्शन होली दिवाली हो या ईद हम लोग हमेशा साथ में मनाते हैं. क्या है ऑन स्क्रीन मुझे नहीं पता. हम लोग हाँ, अगर अच्छी कोई स्क्रिप्ट मिले डेफिनेटली करेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होता है, बट डेफिनेटली अगर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ हो तो डेफिनेटली. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने और गुरमीत ने रामायण किया था, तो राम और सीता की जो बनी हुई है, लोगों को अगर आज पूछा जाता है राम सीता तो आपकी और उनकी भूमिका आती है, तो इस ऑरे को लेके चलना और बनाए रखना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एवरीबॉडी वाज लाइक आपको और गुरमीत को देखते इंसान एक्चुअली मुझे लगता है कि हम लोगों ने कोई ट्राई तो किया नहीं है कि अलग से संभाल के रखें. हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और मुझे नहीं पता. आई मीन कुछ अलग स्पेशल तो कुछ नहीं करते हैं, जो है वैसे ही है. आई मीन कुछ भी जोड़ी मानी जाती है, एकदम काम हाँ, जो ऐसे जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम अलग से दिखाते हैं कि नशा नहीं करते हैं या वो दिखाते हैं, तो हमारे में ऐसा कोई टेंशन है नहीं है. हम दोनों को किसी चीज़ की नशा नहीं है, कुछ भी है नहीं जो हम लोगों से अलग से छुपा के या दिखावा करते हैं. एवरीथिंग इज टोटली अस एंड ओरिजिनल और दैट्स व्हाट वी आर. बिल्कुल नहीं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली फ्रॉम योर्स ट्रूली दिवीना. ऑब्वियसली बर्थडे तो बेस्ट विशेज ही देना चाहूँगी और आई होप ऐसे ही उनका साल बहुत अच्छा जाए और उनके लिए आने वाला साल और उसके आगे भी बहुत सारे साल पूरी लाइफ हमेशा अच्छी रहे. वाइन विला में आई है, आपने वाइन टेस्ट किया है, तो क्या कहना चाहेंगी वाइन विला के बारे में? जी मैं दारू नहीं पीती. वेल ऑब्वियसली द प्लेस इज़ वेरी नाइस एंड इट्स वेरी नाइस दैट इट्स न्यू एंड स्मिता थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी हियर, सो ऑब्वियसली एक नई जगह पे भी यू नो आप आ गए एंड सेकेंडली एक बर्थडे सेलिब्रेट कर ले विच इज़ ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड आई मीन प्लेस क्या होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड बाय द वे इट्स वेरी नाइस दैट रिचाज बेस्ट फ्रेंड आई मीन स्मिताज बेस्ट फ्रेंड रिचाज थ्रोन अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर. आई वॉज लाइक
how cool, yeah? Where are such friends? So I think she's very lucky to have a good friend like Richa. मुझे honestly पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आप शायद मुझे कभी कोई पार्टी में देखोगे नहीं. बट जब मेरे दोस्तों का बर्थडे पार्टी होता है या कुछ बहुत स्पेशल होता है और जाना होता है तो मैं डेफिनेटली जाती हूँ. बट अदरवाइज आई एम अ जीरो पार्टी पर्सन. बिग बॉस, आई थिंक जो लोग बिग बॉस के फैन है, और ऑफकोर्स मैं तो एक कंटेस्टेंट होकर आई हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बिग बॉस को बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं हर साल फॉलो करती हूँ बिग बॉस को. ऑनेस्टली अभी मैं फिलहाल बहुत कन्फ्यूज हूँ, बट आई फील दैट श्री इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर. आई थिंक आई सी रोमिल ऑल्सो इन टॉप थ्री. एंड अगर एक और कंटेस्टेंट अगर मैं लूँ तो आई थिंक दीपिका. वेल, दिवाली के प्लान्स है सारे दोस्तों को घर पे जाना, रोज़ रेडी होना, उनसे मिलना, खाना खाना, अपना घर डेकोरेट करना और बेस्ट विशेज देना. एंड आई थिंक यही दिवाली का वाइब होता है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द ओनली फेस्टिवल अपार्ट फ्रॉम गणपति एंड नवरात्रि विच स्टेज फॉर 10 days, यू नो. सो इट्स फन कि आप रोज़ अपने दोस्तों के अलग अलग दोस्तों के घर पे जा सकते हो और उन्हें अच्छा टाइम दे सकते हो. एंड इट्स अ लॉन्ग फेस्टिवल, सो इट्स अ गुड वीक. वेल, मैं सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगी. आई होप आपका साल बहुत शुभ हो. प्लीज़ हैव अ सेफ दिवाली. एंड ऑफकोर्स देर इज़ अ मैसेज दैट आई वांट टू गिव इज़ दैट प्लीज़ डू नॉट बर्न क्रैकर्स, प्लीज़, लाइक इट्स अ रिक्वेस्ट. सो हैव अ सेफ दिवाली. थैंक यू. मैं स्मिता को ढेर सारी विशेज़ देना चाहूँगी इन रिगार्ड्स टू हर वर्क, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ. आई विश शी यू नो नर्चर्स मोर एंड मोर एंड फ्लरिशेज मोर इन हर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. थैंक यू. थैंक यू. दिवाली ही चल रही है एक्चुअली. हमारे लिए आज धनतेरस है और महाराष्ट्रियंस के लिए धनतेरस, दिवाली, लक्ष्मी पूजन, ये बहुत बहुत पावन फेस्टिवल्स होते हैं. तो हमारे घर में भी धनतेरस की पूजा हुई एंड इसी अवसर पे मैंने सोचा मैं भी थोड़ा ट्रेडिशनली ड्रेस. दिवाली का धमाल हमारे घर में बहुत सारा फराल बनता है जो महाराष्ट्रियन घरों में बनता है और पूरा घर हमारा दिए से सजता है. और हमारे घर में एक और खासियत होती है कि जो हम लोग कंदिल लगाते हैं वो भी हमारे घर पे बनता है. सो ऐसे हम खरीद के नहीं लेके आते, वो हमारे घर में बनाते हैं कंदिल. सो या हमारे घर में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है. मैं अपने सारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. स्मिताला माझ्या तर्फे एकदम हार्दिक मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. सो विशिंग हर लोड्स ऑफ सक्सेस अँड हॅपीनेस. अँड शी इज अ व्हेरी वंडरफुल पर्सन अँड आय वुड लव टू विश हर ऑल द लव अँड लक फॉर एवर अँड फॉर ऑलवेज. दॅट्स वॉट आय वुड से फ्रॉम माय साईड. दिवाली तो आ गई है, आज धनतेरस है, बहुत ही शुभ दिन होता है, फर्स्ट डे ऑफ दिवाली. एंड दिवाली में डेफिनेटली आई वुड लव टू विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी प्रॉस्परस हेल्दी दिवाली. एंड दिवाली में एवरीवन लव्स टू शाइन. सो आई थिंक व्हाट आई लव बेस्ट इज़ आई लव टू ब्रिंग दैट ग्लो एंड शाइन ऑन एवरीवन्स फेसेस विद अ वेरी हैप्पी स्माइल. So for all our viewers, I would love to wish them a very happy Diwali and wishing loads of success, health, happiness and of course a very glowing skin to everyone. Thank you so much.